तो यहाँ पे वक्त हो गया है टेक न्यूज का, तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले न्यूज से। तो पेटीएम की तरफ से सबसे पहले खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो पेटीएम में अभी क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या सिचुएशन चल रहा है, उसके बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि पेटीएम यहाँ पे 29 तारीख के बाद से, 29 फरवरी से, उसके बाद यहाँ पे कोई भी क्रेडिट या फिर कोई भी डिपॉजिट नहीं हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे आरबीआई ने बोल दिया है। तो इसी प्रॉब्लम को लेकर यहाँ पे पेटीएम वर्क कर रहा है अभी आरबीआई के साथ मिलकर, ताकि इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व किया जा सके। एंड पेटीएम ने ये भी बोला है, जैसे कि बाकी कंपनीज करती हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो लोग अपने इम्प्लॉयज़ को हटा देती हैं, बिकॉज उस टाइम पे उतना अर्निंग वगैरह नहीं होता है ताकि उनका सैलरी दिया जा सके। बट पेटीएम ने ये बोला है कि हम किसी भी पर्सन को यहाँ से नहीं हटाएंगे, किसी भी इम्प्लॉय को नहीं हटाएंगे। इस मुश्किल के टाइम में हम लोग सब मिलकर काम करेंगे एंड फिलहाल जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये पेटीएम ने कहा है फिलहाल। बात करें यहाँ पे अगली खबर की, तो जियो के एयर फाइबर की तरफ से ये न्यूज़ यहाँ पे निकल कर आ रही है। उनकी तरफ से यहाँ पे दो न्यू रिचार्ज प्लान्स को लॉन्च किया है, जो कि यहाँ पे डेटा बूस्टर पैक्स है। एंड इनके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार जरूर से देख लेना। जियो का एयर फाइबर अगर आप यूज़ करते हो एंड आपको नहीं पता है कि कौन से न्यू प्लान्स यहाँ पर लॉन्च हुए हैं, तो एक बार उनको चेक कर लेना। इसी के साथ मैंने एक और वीडियो बनाया था अपने दूसरे चैनल पर, जहाँ पर आप लोगों को ये बताया है, एक आपको यूनिक सी ट्रिक बताई है जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना एंड उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस बात करें यहाँ पे अगली खबर की, तो अगली खबर यहाँ पे ओला की तरफ से निकल कर आ रही है। तो ओला ने अपनी एक न्यू स्कूटी को लॉन्च कर दिया है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, जो कि यहाँ पे ओला S1X इसका नाम है। एंड यहाँ पे टोटल में 3 वेरिएंट्स में ये स्कूटर आपको देखने को मिलता है। जो पहला वेरिएंट है, जो उसका बेस वेरिएंट है, उसका प्राइस यहाँ पे रखा गया 80,000 रुपये। एंड यहाँ पे जो इसका टॉप वेरिएंट होगा वो 1,10,000 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। एंड जो इसका सबसे टॉप वेरिएंट होगा, टॉप एंड वाला, उसका जो यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिलता है वो आप बोल सकते हो 180 प्लस किलोमीटर की रेंज आप लोग को देने वाला है, अगर उसका आप यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट अगर लेते हो तो। तो यहाँ पे स्कूटी आप चेक कर सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने में तो इनकी वेबसाइट पे आप लोग को इसकी सारी डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हो तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना आप लोग। गाइस बात करें अगली खबर की, तो यहाँ पे बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स अभी के टाइम में जो है फ्लिप एंड फोल्ड वाले स्मार्टफोन्स को मार्केट में लेकर आ रहे हैं। तो शाओमी भी इस रेस में उतर चुका है एंड शाओमी अपना एक जो है फ्लिप फोन मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है, जो कि शाओमी का मी मिक्स फोल्ड स्मार्टफोन होने वाला है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen 3 एंड यहाँ पर सेटेलाइट कम्युनिकेशन फीचर देखने को मिलने वाला है। एंड सबसे बेस्ट बात यह है कि जो स्मार्टफोन होगा ना, उसकी जो क्रीज होगी, मतलब उसको जो ओपन करते हो एंड बीच की जो लाइनिंग होती है ना, वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, मतलब पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक क्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे बाकी सारे जो स्मार्टफोन्स हैं जो कि आपको देखने को मिलता है मार्केट में, लाइक यहाँ पर सैमसंग के फोल्ड फोन्स देखने को मिलते हैं, वो थोड़े से होते हैं महंगे, बट ये जो स्मार्टफोन होने वाला है शाओमी का, ये उनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा प्राइस कम होने वाला है एंड जो है आपको अच्छे फीचर्स इसमें देखने को मिलने वाला है। तो अभी वेट कर रहे हैं, काफ़ी जल्दी ये लॉन्च हो जाएगा, मतलब जब ये इसके सारे स्पेसिफिकेशंस वगैरह आ जाती हैं तो इसके रिलेटेड एक और वीडियो मैं बना दूंगा डेडिकेटेड उस पर। गाइस बात करें यहाँ पे अगली खबर की, तो जियो एंड वन प्लस मिलके आपस में यहाँ पे एक 5G लैब ओपन करने जा रहा है। अब इस 5G लैब में होगा क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे वन प्लस के जो इम्प्लॉयज़ हैं एंड जियो के जो है इम्प्लॉयज़, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मिलके 5G के ऊपर यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, मतलब 5G में और क्या क्या किया जा सकता है, 5G के ऊपर नए नए एप्लीकेशंस बनेंगे, बहुत सारे गैजेट्स वगैरह बनेंगे, जिससे कि जो 5G है उसका पूरा यहाँ पर निचोड़ करके उसका बेनिफिट को निकाला जा सके, जिससे कि हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, मतलब टेक्नोलॉजी और डेवलप होगी। तो इसी कारण से ये दोनों कंपनीज काफ़ी एक्साइटेड है आपस में वर्क करने के लिए एंड बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाला है। तो गाइस जो भी न्यूज़ वगैरह थी मैंने आपको बता दी, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो हम तब से लाइक जरूर से कर देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।